टेस्ट बुधायो ने टेस्ट किए है गुडा वरी ही कयो न ही है ये तो कयो न अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और फाइनली हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अभी आधी रात हो चुकी है बिल्कुल। तो जैसा कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता ही होगा कि मेरा जो दिन की शुरुआत है वो रात को ही होती है क्योंकि भाई सारा दिन सोती हूँ, सारी रात जागती हूँ। ये बातियों वाला सिस्टम लगा पड़ा हुआ है मेरा, पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। और अगर आपके पास कोई टिप्स है जल्दी सोने की तो प्लीज़ मुझे बताइएगा क्योंकि मुझे जल्दी नींद नहीं आती, आई डोंट नो व्हाई। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं जाग रही हूँ और मेरी इतनी गंदी क्रेविंग हो रही है ना सूजी का हलवा खाने की, वो भी दूध वाला जो मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं। इतना कोई लजीज टेस्टी हलवा वो बनाती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो रेसिपी मैंने शाम को ही उनसे पूछ ली थी कि आंटी आप कैसे बनाती हैं मुझे बताएं कि मैं भी बना दूंगी, तो सब्सक्राइबर्स के साथ भी रेसिपी शेयर कर लूंगी और ख़ुद भी बना के खा लूंगी। तो उन्होंने मुझे रेसिपी बताई है, तो अभी बस चलते हैं किचन में, आधी रात को बनाते हैं सूजी का हलवा, वो भी दूध वाला। तो मैंने सोचा कि चलें इसी बहाने वीडियो भी बन जाएगी और आप सबके साथ रेसिपी भी शेयर हो जाएगी। तो मेरे साथ चलें किचन में और चल के बनाते हैं सूजी का हलवा मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी से। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में, सारा सामान निकाल के रख दिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी। और हम बना रहे हैं सिलेंडर पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो चले बनाना करते हैं स्टार्ट। वो देखी में मैंने थोड़ा सा ही ऑयल ऐड किया है क्योंकि इसमें थोड़ा ही ऑयल जो है वो यूज़ होगा, इसमें मिल्क भी डलेगा तो इसीलिए हम इसमें ऑयल थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। और अभी मेरे पास इलायची अवेलेबल नहीं थी, छोटी इलायची, तो अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो वो भी आप ऐड कर दीजिएगा। प्रॉपर रेसिपी अगर मैं शूट कर रही होती तो मैं सारा सामान मंगवा के रखती, लेकिन अभी जो है मेरे पास छोटी इलायची अवेलेबल नहीं है तो ऐसे ही काम चला लेंगे। वो ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसमें अपनी सूजी ऐड कर देंगे। मेन इंग्रेडिएंट है हमारा सूजी, तो यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ी सी कम ही सूजी ली है। ये देखें बिल्ली भी आ चुकी है यहाँ पे हमें कंपनी देने। तो तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें अपनी सूजी ऐड कर देंगे। तो सूजी ऐड कर दी है, अभी सूजी को हम भून लेंगे थोड़ा सा। ज़्यादा नहीं भूनना, धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि सारे सो रहे हैं, रात के 2 बजे अमूमन कोई जाग नहीं रहा होता ना सिवाय मेरे। तो इसे थोड़ा सा ही भूनना है, तो इसका कलर भी चेंज हुआ है थोड़ा सा और इसकी ना खुशबू भी आ रही है बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी। तो अभी हम इसमें डाल देंगे अपना पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करके हम थोड़ा सा ऐसे पानी में पका लेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें अपना मिल्क ऐड करेंगे। बिल्कुल हल्के फ्लेम पे मैं इसे पका रही हूँ और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रहा होगा दर दर दर, मेरे हस्बैंड पबजी खेल रहे हैं। तो अकेली नहीं आती मैं किचन में, डर लगता है मुझे, तो हस्बैंड से कहा कि आप भी आके हॉल में बैठें मैं किचन में काम करूँगी तो वो पबजी खेल रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। ये देखें थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि हमें कंसिस्टेंसी का पता चल जाए। तो सूजी को प्रॉपर हम पहले पानी में पकाएंगे, डायरेक्ट इसमें दूध ऐड नहीं करना। ये ना काइंड ऑफ ये सूजी की खीर बनेगी क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना लाजवाब होता है, मैं आपको क्या बताऊँ, लाजवाब टेस्ट होता है इसका। तो हमें इसे बिल्कुल भी ऐसे ऐसे दरदरा नहीं छोड़ना, हमें ऐसे बनाना है खीर जैसा क्योंकि मुझे वही पसंद है,
खाने में अच्छा लगता है बहुत। तो अभी बस मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना दूध। तो अभी मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी, पता नहीं कैसा बना रही हूँ मैं। अगर मेरी मदर इन लॉ मेरे सारे व्लॉग देखती हैं, सारी वीडियोस देखती हैं मेरी, तो आंटी अगर आप देख रही हैं तो सॉरी, अगर गलत बन जाए तो आपकी रेसिपी की बेइज्जती नहीं करूँगी मैं। बिस्मिल्लाह। तो हाफ के जी मिल्क मैं इसमें सारा ही ऐड कर दूँगी, क्योंकि मिल्क के साथ ही तो इसका असल टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ में ना बिस्मिल्लाह करनी चाहिए। और ये थोड़ा सा ऐसे ना गुठलियाँ बनेगी इसमें, तो वो टेंशन नहीं लेने की बात है, उसे हम ऐसे ऐसे करके पका लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये देखिए भाई, कमाल कमाल। मिल्क ऐड करने के बाद ही मैं इसमें शुगर भी ऐड कर दूँगी। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। एज़ यू ऑल नो मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसमें ज़्यादा ही चीनी ऐड करी है। फिर भी इसे टेस्ट कर लेंगे, अगर कम या ज़्यादा हुई तो एडजस्ट कर लेंगे। तो अभी इसकी आंच थोड़ी सी मैं बढ़ा दूँगी। तो अभी जो ये थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है, तो हमने फ्लेम को हाई कर देना है और इस लिक्विडी को हमें थोड़ा सा थिक करना है। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें अपने ये कुटे हुए बादाम भी ऐड कर दूँगी। मेरे पास बादाम ही थे और कुछ था नहीं, तो इसीलिए मैं ऐड नहीं कर रही, वरना इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ड्राई फ्रूट आपको मज़ा देंगे बहुत। और जो सबसे ज़्यादा मुझे इस हलवे में पसंद है ना, वो खजूर है। खजूर का टेस्ट इसमें इतना अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है खजूर का टेस्ट। आप ऐड करिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो, अगर ना हो दिन के टाइम में आप बना रही हैं शाम के टाइम में, तो खजूर मंगवा के इसमें ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और उसके अलावा किशमिश और जो होता है ना कोकोनट, ड्राई कोकोनट, तो वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी रात के 2 बजे मेरे पास यही बादाम अवेलेबल थे, तो मैंने वही ऐड कर दिए हैं। तो अभी हमने इसे थिक बनाना है। थिक ही देखिए। तो अभी जब तक ये थिक हो, ये देखें इसमें बॉयलिंग आना शुरू हो गया है। तो अभी जब तक ये थिक हो तब तक हमें स्पून चलाते रहना है, क्योंकि ये नीचे लगने का खतरा होता है सूजी का। तो अभी हम स्पून चलाते रहेंगे और इसे थोड़ा सा थिक कर देंगे, हल्का सा ही थिक करेंगे, क्योंकि ये रखने के बाद भी थिक होता है। तो इसे हल्का सा ही हमने थिक करना है, क्योंकि अगर फिर ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो ठंडा होने के बाद भी ये थिक होगा। आप सबको पता है कि सूजी जम जाती है, तो इसीलिए ये जमेगी तो नहीं, लेकिन इसे थोड़ा सा हमें इसे इसे लिक्विड ही छोड़ना है, क्योंकि अगर फिर हमने इसे ऐसे ही ज़्यादा थिक कर दिया तो ये बिल्कुल ऐसे जो सूजी का हलवा बनता है वो वैसे बन जाएगा, दूध वाला लेकिन हलवा। मुझे सूजी की खीर चाहिए ऐसे लिक्विडी। तो मैं इसे 1 मिनट तक ही बस पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा थिक पसंद नहीं है। देखें अभी जो इसकी थिकनेस है वही सही है। हमारी सूजी की खीर, दे देखे मैंने इसे ज़्यादा नहीं पकाया, क्योंकि फिर ये जम जाता बहुत, तो फिर मुझे इसे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे ही लिक्विडी मुझे पसंद है, जैसे कि मैं बस सूजी की खीर खा रही हूँ मज़ेदार। ये देखिए, तो अभी हम इसे ऐसे ही इसमें ही थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ये हम खाएंगे। तो रूम में लेकर आ गई थी मैं इसे, ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी थिक हो गई है। तो अभी मैं हस्बैंड के लिए निकालूंगी और उनको टेस्ट करवाऊंगी, और फिर उनसे पूछूंगी कि कैसा बना है। आंटी जैसा तो नहीं बनाया होगा मैंने, ये मुझे पता है। I
खाओ भला। बुधायो गरम आ टेस्ट बुधायो ने टेस्ट की है गुडा वरी ही कयो नहीं है ये तो कयो ना तो हस्बैंड ने खा लिया है, अभी मैं अपने लिए निकाल रही हूँ, मैं भी तो टेस्ट करूँ। और हम गरम गरम ही खा रहे हैं क्योंकि इसका गरम खाने का भी अपना ही मज़ा है और इसका ठंडा खाने का भी अपना ही मज़ा है। तो चलें टेस्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। मेरी मदर इन लॉ वाले हलवे की बात नहीं है, लेकिन अच्छा ही बना है, बहुत अच्छा बना है। लेकिन जो आंटी बनाती है ना, मैं कहती हूँ कमाल हो जाता है। फिर कभी उनसे भी बनवाएंगे और आपके साथ प्रॉपर उनकी रेसिपी शेयर करेंगे। ये भी उन्हीं की रेसिपी है लेकिन उनके हाथ से जो बना हुआ होगा वो भी आप सबके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलें अभी मैं ये खाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं बस फ्रेश होके आई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी बस मैं सोऊंगी तो नहीं, कह नहीं सकती कि सोऊंगी क्योंकि अभी और जागना है मुझे, मोबाइल चलानी है, नेटफ्लिक्स चलाना है। तो बस देखते हैं और इंशाल्लाह एक दिन आपके साथ मैं अपनी मिडनाइट रूटीन भी शेयर करूँगी और क्या क्या खाती रहती हूँ मैं सारी रात, वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस इसी के साथ ही ये वीडियो करेंगे एंड। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, आप ज़रूर ट्राई करना, मज़ेदार हलवा बनता है। ऐसा सूजी का हलवा आप खा खा के बोर हो चुके होंगे, तो मिल्क से इसे खीर बना के आप खाएँ, बड़ा कमाल का बनता है। तो इसी के साथ ही ये वीडियो होगी एंड, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, धुआँ में आ। I'm just